तो यार खुशी मूवी का फाइनली ट्रेलर आउट हो गया है और उसी करने वाले हैं रिएक्शन इस वीडियो में, पर हाँ इस इंट्रो के बाद। तो देखो यार जो ट्रेलर निकल गया है सच में उसने सरप्राइज किया। अगर आप विजय देवरकोंडा को जानते हो ना, अगर आपने उनकी पुरानी मूवीज देख रखी हैं, तो भाई ट्रेलर आपको सच में बहुत ज्यादा प्यारा लगने वाला है और लगता है देख के कि हाँ वो दोबारा अपने फिर से उसी टाइप कैरेक्टर में लौट रहे हैं और हो सकता है अच्छा कमबैक भी करें, पक्की उम्मीद जग रही है। क्योंकि जो पूरा ट्रेलर है, सच में ट्रेलर थोड़ा सा लंबा था पर फिर भी मुझे कहीं ऐसा लगा कि मुझे स्किप करना चाहिए या जो चीज़ें लोग दिखा रहे हो वो मुझे बोर करेंगी, बल्कि यार वो और उम्मीदें जगाता है। साथ में जिस तरीके से पूरा फैमिली ड्रामा रखा गया है ब्राह्मण फैमिली को दिखा के, उससे पहले वो जो मोमडन वाला एंगल चल रहा था वहाँ पे, फिर विनला किशोर की कॉमेडी, उसके बाद विजय देवरकोंडा की कॉमेडी, उसके बाद जो रिलेशनशिप देखने को मिल रही है कि बाद में वो चीज़ें थोड़ा बहुत हैंडल नहीं होंगी, और ये सच में एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, बहुत लोग इसको फेस करते हैं। और जो लोग पॉइंट लाए हैं सच में देखना बवाल कटेगा अगर अच्छे से संभाल ले गए इमोशनल पॉइंट को ना और सही से रख दिया, तो भाई मज़ा आएगा देखने में। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो सब देखने जाएंगे सपोर्ट करेंगे बेबी मूवी जैसा। अब देखते हैं ऑल टाइम में लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, पर फिलहाल तो कहानी देख के आइडिया लग गया है कि क्या क्या देखने को मिल सकता है। स्टोरी वैसे कि यही होने वाली है कि दोनों प्यार करेंगे, शादी कर लेंगे घर वालों की मर्जी के बिना, उसके बाद उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। साथ में जो पूरा बीजीएम बजता है, देखो मैं तेलुगु की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ हिंदी डब की बात कर रहा हूँ, वहीं बीजीएम आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। जो गाना है वो यार डब है, वो यार गाना डब है पर फिर भी वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक लाइट टोन के साथ पूरी मूवी आने वाली है। कॉमेडी पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, विजय देवरकोंडा का लुक हो या फिर समंथा का लुक हो, दोनों ही आपको अच्छा लगने वाला है। जो समंथा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा यार बचकाना टाइप, और जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को रखा गया है वो चीज़ भी आपको अच्छी लगने वाली है। और यहीं जो पूरा ट्रेलर था उसमें कॉमेडी वाला जो पंचेस थी, जो कॉमेडी टाइमिंग है वो काफ़ी हद तक यार अच्छी निकल के आई है फिलहाल तो ट्रेलर में। और अगर ऐसी मूवी निकल के आती है तो मज़ा आएगा देखने में, कॉमेडी पॉइंट सच में मूवी का फिर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। तो देखो अगर ओवरऑल बात करना पूरे ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर यार कहीं भी निराश नहीं करता है, जितनी उम्मीदें थी उस हिसाब से अच्छा निकला है। हाँ स्टोरी के बारे में आइडिया दे गए हैं लोग पर ऐसे प्लॉट के लिए ज़रूरी था। साथ में ये देख के लग रहा है कि हाँ इसको पूरी फैमिली इन्जॉय भी कर सकती है और पूरी फैमिली के साथ लोग देखने भी जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि लाइगर के बाद विजय देवरकोंडा एक अच्छा कमबैक करें और समंथा भी एक अच्छा कमबैक करें शकुंतलम के बाद, तो आने वाले टाइम पर चलेगा। पर फिलहाल ट्रेलर के बारे में बोलना हो तो यार अच्छा निकला है, डबिंग अच्छी है, बाकी सब चीज़ें भी यार अच्छी थी। तो एक बार जाओ देखो एंजॉय करो, हम मिलते हैं नए वीडियो साथ में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो साथ में।